तो आपको मैं सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं सर्च करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं उस पेज को सर्च कर लूँगा जो कि मूवी की क्लिप को अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पेज का नाम है वायरल VIP 71, ये पहले नंबर पर आ रहा है, इसी वाले को हम लोग ओपन करेंगे पेज को। एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 33K फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं। एंड ये चैनल दोस्तों एक महीने पहले ही क्रिएट हुआ है एंड इस चैनल ने बहुत ही जल्दी ग्रो कर लिया है। अब आपको मैं इनकी वीडियोज़ को दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मूवीज़ की क्लिप को अपलोड कर रहे हैं। एंड दोस्तों ये फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम को भी अपलोड करते हैं, मगर उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं जितना कि दोस्तों इनकी वीडियो मूवीज़ वाली वीडियो पर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी मूवीज़ की जितनी भी वीडियो हैं इनकी सभी पे लाखों में व्यूज़ गए हुए हैं। ज़्यादातर इन्होंने दोस्तों साउथ इंडियन मूवीज़ को ही अपलोड किया है। एंड ये किस तरीके से वीडियोज़ को एडिट करते हैं एंड अपलोड करते हैं जिससे कि इनकी वीडियोज़ पर दोस्तों ना ही इनकी वीडियो ब्लॉक हो रही है एंड ना ही वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है। एंड दोस्तों इनका चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एंड वीडियो पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे, पहले दोस्तों मैं आपको इनका वीडियो दिखा देता हूँ। मूवी की क्लिप को ये अपलोड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपलोड कर रहे हैं। एंड अगर आप अपलोड करते हो दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है एंड दोस्तों आपकी वीडियो ब्लॉक कर देता है फेसबुक। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड आप इनकी इस वीडियो पर व्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों, 7.2 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं जिससे कि इनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर गया दोस्तों। एंड दोस्तों इन्होंने पूरी वीडियो को अपलोड नहीं किया है, पूरी मूवी को अपलोड नहीं किया, ये सिर्फ क्लिप को अपलोड करते हैं, मूवी की क्लिप को अपलोड करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल सिर्फ 1.5 महीने पहले ही क्रिएट किया गया है। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं 23 अप्रैल को इस वीडियो को अपलोड किया गया था जो कि लाइव स्ट्रीम है इनकी। एंड दोस्तों इस वीडियो को इन्होंने अपलोड किया था एंड उसके बाद से ये फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम वीडियो ही अपलोड कर रहे थे, उस पर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो दोस्तों इन्होंने एक महीने पहले ही मूवी की क्लिप को उठा करके अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है जिससे कि दोस्तों इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर गए हैं। दोस्तों अगर आपको फेसबुक पर ग्रो करना है, फेसबुक से अर्निंग करनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको डेली वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। ये चैनल दोस्तों डेली ही 2 से 3 वीडियो को अपलोड करता है, आपको भी दोस्तों गैप नहीं करना है, डेली काम करना है एंड दोस्तों आपका चैनल भी बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। एंड अभी हम लोग दोस्तों 3 स्टेप में इसको समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले स्टेप में हमें वीडियो को कहाँ से डाउनलोड करना है वो समझेंगे एंड सेकंड में दोस्तों हमें एडिट कैसे करनी है एंड थर्ड जो टॉपिक होगा दोस्तों वो है अपलोड का। दोस्तों अपलोड किस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारे व्यूज़ अच्छे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वीडियो को कहाँ से अपलोड करें, तो दोस्तों सिंपल सा मेथड है, हमें वीडियो कहाँ से लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों जो वीडियो है आपको अपने यूट्यूब से ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको सिंपली YouTube से किसी भी सर्च करके वीडियो को डाउनलोड नहीं करना, नहीं तो आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा एंड दोस्तों आपकी वीडियो ब्लॉक भी कर देंगे। एंड दूसरी चीज़ आपको ये समझ लेना है, आपको बॉलीवुड की मूवी की क्लिप को अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ साउथ इंडियन मूवी की क्लिप को ही अपलोड करना है। एंड शुरुआत में दोस्तों आपको 5 मिनट से कम की ही वीडियो की क्लिप को अपलोड करना है, मूवी की क्लिप को अपलोड करना है जिससे कि दोस्तों आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ज़्यादा बढ़े दोस्तों, जिससे कि आपकी वीडियो एकदम खुश हो जाए एंड आपकी कोई ना कोई वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। दोस्तों हम लोग अपना यूट्यूब ओपन कर लेंगे एंड यूट्यूब ओपन करने का दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है। आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी मूवी का नाम सर्च कर सकते हैं साउथ इंडियन मूवी का नाम, या तो दोस्तों आप सिंपली साउथ इंडियन हिंदी डब्ड मूवी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको तमिल में ही मूवी को अपलोड करना है तो दोस्तों आप तमिल लिख करके सर्च कर सकते हैं, मगर दोस्तों आपको साउथ इंडियन मूवी को ही डाउनलोड करना है एंड दोस्तों आपको बॉलीवुड मूवी को डाउनलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने मूवीज़ आ चुकी हैं। अब दोस्तों आपको यहीं से ही वीडियो छोड़ करके नहीं जानी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहीं से वीडियो छोड़ के गए तो दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, आपको इन वीडियो को डाउनलोड नहीं करना है। अब डाउनलोड करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके की मूवी को डाउनलोड नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऊपर आपको 3 डॉटेड मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है, सर्च फिल्टर पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। एंड जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपके सामने काफ़ी सारी मूवीज़ आ जाती हैं जो कि क्रिएटिव कॉमन्स की होती हैं, जो कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते हैं, ठीक है। अब इन मूवी की क्लिप्स को आपको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर, अगर आपको ये नहीं पता है कि YouTube की वीडियो को कैसे डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैंने इस वाली वीडियो को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है अपनी गैलरी में एंड फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड स्टेप हमारा दोस्तों वीडियो को एडिट करना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कान मास्टर से एडिट करने वाले हैं एंड ये वाला कान मास्टर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपको दोस्तों क्रिएट नाउ पर क्लिक करना है एंड दोस्तों 1x1 के रेशियो को आपको क्लिक करना है एंड क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इमेज एसेट्स पर क्लिक कर लेना है एंड किसी भी एक इमेज को आपको ले लेना है। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पर ब्लैक वाले को ले लेते हैं।
एंड दोस्तों इसकी इमेज साइज़ को आपको बढ़ा लेना है यहाँ से खींच करके। तो इसको दोस्तों हम लोग अभी 2 मिनट का कर लेते हैं, क्योंकि जो 2 मिनट की वीडियो हम लोगों ने डाउनलोड की है वो इस पर फिट बैठे। अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है एंड लेयर पर क्लिक करना है एंड मीडिया पर क्लिक करना है। जो आपने वीडियो को डाउनलोड किया है, मूवी की क्लिप को डाउनलोड किया है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है एंड दोस्तों नीचे वाले एरो को खींच करके आपको इसको अपनी फुल स्क्रीन में कर लेना है एंड दोस्तों आपको इसको सेंटर में कर लेना है। इस तरीके से सेट करके देख लेना है, आपको सेंटर में रहना चाहिए आपकी वीडियो। अब दोस्तों आपको इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, दोस्तों आपको वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको वीडियो निकालनी है एंड ट्रिम एंड स्प्लिट पर आपको क्लिक करना है एंड लेफ्ट वाले पार्ट को आपको काट देना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो पर 3 सेकंड तक क्लिक करके रखना है एंड आगे बढ़ा लेना है। अब दोस्तों आपको लास्ट में आना है एंड दोस्तों ये बचा हुआ जो पार्ट है उस वाले पार्ट को ट्रिम राइट कर लेना है, मतलब राइट वाले पार्ट को आपको काट देना है, ठीक है। इतना काम करने का दोस्तों आपकी जो वीडियो है ये बचेगी आपकी पूरी 2 मिनट की। अब दोस्तों आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करना है, अब नीचे की तरफ आना है एंड स्पीड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको इसकी स्पीड को 1.2 कर लेना है, ठीक है, इतना कर लेना है, ठीक 2 तक जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो 2 तक आपको लेकर के आना है एंड की पिच पर आपको जरूर से क्लिक कर लेना, नहीं तो आपकी जो वॉइस है वो कार्टून जैसी लगेगी, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी सी सेटिंग करनी है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना है, आपको ज़्यादा आगे नहीं आना है, 15 से 20 सेकंड तक ही आपको आगे आना है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको कैची पर वापस से क्लिक करना है एंड स्प्लिट पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आपको 15-15 सेकंड के कट लगा लेने हैं, जैसे कि मैं आपको लगा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। 15-15-20-20 सेकंड के आपको यहाँ पर कट लगा लेने हैं, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक और। एंड अब ये लास्ट कट मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका बैकग्राउंड है उसको भी आपको बराबर कर लेना है, आपको कैची पर क्लिक करना है एंड राइट वाले पार्ट को आपको काट देना है, ठीक है। इतना काम आपका हो जाता है। अब दोस्तों आपकी वीडियो अभी कंप्लीट नहीं बनी है, बस 30% ही एडिट हो पाई है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से सेकंड वाला पार्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये लास्ट से सेकंड वाला पार्ट आपको सिलेक्ट करना है एंड एक इसकी डुप्लीकेट लेयर को आपको बनाना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करके एक इसकी डुप्लीकेट लेयर को हम लोग बना लेंगे। अब इस डुप्लीकेट लेयर को आपको शुरुआत में लेकर के आना है। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, अगर आप इसको नहीं करते दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर से आ जाएगा, आपको ये बहुत ज़रूरी करना है। अब फ्रेंड आपको अपनी उस वीडियो पर क्लिक करना है जो कि हम लोग लास्ट से उठा करके पहले नंबर पर लेकर आए हैं, जो कि हमारा नीचे दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग क्लिक करेंगे एंड दोस्तों इसको फ्रेंड में रखेंगे। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है 3 डॉट पर एंड ब्रिंग टू फ्रेंड पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी नीचे वाली वीडियो है वो ऊपर फ्रेंड पर आ जाएगी, जैसे कि ये आ चुकी है, ठीक है, हमारी वीडियो आ चुकी है ऊपर। अब दोस्तों जो ऊपर वाली वीडियो है उसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि हमारा नीचे वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है, यहाँ आना है एंड ऊपर क्लिक करना है एंड कैची पर आपको क्लिक करना है एंड आपको ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करके लेफ्ट वाला पार्ट को काट देना है, ठीक है। इतना काम करने का दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो 50% तक कंप्लीट बन चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें एक बहुत ही जरूरी सेटिंग करनी है जिससे कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक कोई भी नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ आपको आना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, फ़िल्टर पर आपको क्लिक करना है एंड काफ़ी सारे आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। आपको इसमें फ़िल्टर को ऐड करना है, क्योंकि आपको फ़िल्टर बेटर लगे आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग, उस फ़िल्टर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग किसी भी एक फ़िल्टर को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे एंड इसी तरीके से आपको अपनी सब क्लिप जो आपने यहाँ पर कट लगाए हैं सभी क्लिप पर एक एक फ़िल्टर यूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कर लेता हूँ।
अब दोस्तों हमारे सारे फिल्टर यहाँ पर लग चुके हैं। अब दोस्तों आपकी वीडियो 70% कम्प्लीट बन चुकी है। अब दोस्तों आपको 30% की एडिटिंग कहाँ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है एंड दोस्तों टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आपको इस प्रकार लिखना है जिससे कि दोस्तों आपकी वीडियो पर लोग क्लिक करें देखने के लिए, जानने के लिए कि आपकी इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लूँगा बेस्ट साउथ मूवी सीन। अब आपको दोस्तों इसको ओके कर लेना है एंड ओके करने के बाद दोस्तों जो आपका टैक्स है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है तो दोस्तों आपको इसमें फॉन्ट ऐड करना है। तो फॉन्ट पर आपको क्लिक करना है सिंपली एंड दोस्तों आपको एंड्रॉइड पर क्लिक करना है एंड रोबोटो ब्लैक बोल्ड पर आपको क्लिक कर लेना है एंड राइट क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको इसमें कलर को ऐड कर लेना है जिससे कि दोस्तों आपका जो टैक्स है वो और अट्रैक्टिव लगे। तो इसका साइज़ को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों कलर पर क्लिक कर लेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर मैं येलो कलर को सिलेक्ट करूँ क्योंकि जो येलो कलर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है एंड दोस्तों उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हम लोग दोस्तों राइट क्लिक कर लेंगे। अब जो हमारा टैक्स है वो परफेक्ट बन चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर को तैयार करना है। तो 3 डॉटेड पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो डुप्लीकेट लेयर है वो तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों आपको एडिट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों हम लोग और एक टैक्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हिंदी डब्ड एंड इसको ओके कर लेंगे। एंड ओके करने के बाद इसको सेट कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, उसको भी एडिट करेंगे एंड दोस्तों इसमें इमोजी को ऐड करेंगे एंड इसको भी ओके कर लेंगे एंड जो इमोजी है उसको हम लोग नीचे सेट करेंगे। अब दोस्तों जो हमारी वीडियो का सीन है वो एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है एंड दोस्तों एकदम दासू लग रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके टैग्स हैं उनको फुल वीडियो में अप्लाई कर लेना है खींच करके। तो सारे ही टैग्स को हम लोग खींच करके फुल वीडियो में अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। तीसरे वाले को भी कर लेते हैं। अब दोस्तों आपकी पूरी वीडियो को एडिट आप कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक एक्सपोर्ट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको इसको हाई पर कर लेना है। जो आपका लो और हाई के बीच में जो आपको दिख रहा है यार, इसको आपको हाई कर लेना है एंड सिंपली आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड दोस्तों अगर आप इसको मीडियम करके मतलब कि बीच में करके अपलोड करोगे तो दोस्तों आपकी जो वीडियो की क्वालिटी वो अच्छी नहीं आएगी। आप वीडियो को अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। आपको इसको हाई पे करके अपलोड करना है जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आए। एंड दोस्तों आपको वीडियो को कैसे अपलोड करना है वो मैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।